हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं भूतनाथ। अभी हम गंगा जी पहुँचने वाले हैं। मीट माय मौसी। इन्हें आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तो अब चलते हैं। ये गंगा जी हम लोग पहुँच चुके हैं। गए वो लोग, ब्लॉगिंग करने में मस्त हो रहे हैं। हाँ, तो रचना और दीदी वहाँ जाना है। मैं पूरा भूतनाथ वहाँ जाना है। मेरी दीदी और रचना और अमन आगे निकल गए हैं, हम लोग पीछे हैं। मेरे साथ अमूल और अनिशा है। गाइस देखिए, ये गंगा जी का पानी कितना भर गया है। और ये सामने जो दिख रही है गाइस, वो है भूतनाथ मंदिर, वहीं पे हम लोग जाना है। और ये देखिए सामने जो दिख रही है, वो जानकी सेतु पुल है गाइस। गाइस ये जानकी सेतु पुल है, यहाँ से हम लोग जाएंगे और वहाँ तक जाएंगे। पहाड़ के ऊपर है वो जो भूतनाथ मंदिर है, वहाँ पर तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे दर्शन करने। तो गाइस देखिए, ये मेरी दीदी है और यामन, रचना और अनिशा, सब लोग जाएंगे। गंगा जी में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है गाइस। गाइस सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इसलिए हम लोग सुबह में घूमने के लिए नहीं निकले थे। अभी दोपहर के 2:30 बज रहा है, जो हम लोग घूमने के लिए निकले। अभी बारिश खुल गई है, तो आए नहीं सारे के बारिश की वजह से भारी से रुक गए। और गाइस अभी भूतनाथ मंदिर घूमेंगे, फिर घूम कर के वापस आएंगे। हम लोग सुबह में ही घूमने जाने वाले थे, तो सुबह से बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो इसलिए अभी बारिश खुल गई है, तो हम लोग घूमने के लिए निकले हैं गाइस। और हमारे जीजा हैं कि वो नहीं आए, सोच रहे कि बारिश निकलेंगे घूमने के लिए तो फिर से बारिश शुरू हो जाएगी, इसलिए जीजा हमारे घूमने नहीं आए। तो हमारे साथ दीदी आई है बस, और दीदी की लड़कियाँ हैं। गाइस रात में मुझे आँख में कुछ काट दिया था, इसलिए मेरा आँख थोड़ा सा और सुबह में तो बहुत ज़्यादा सूज गया था, अभी तो थोड़ा कम है। सीढ़ी से जा करके गाइस नीचे घाट बना हुआ है, वहीं पे नहाते हैं। और अभी बारिश की वजह से पूरा पानी लग गया है, तो कोई नहा भी नहीं सकता है। पानी भी कितना गंदा पानी आ रहा है, नहाने लायक पानी है बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा गंदा पानी हो गया है। मैं इसके साथ गाइस सभी लोग पानी को देख रहे हैं और कोई नहीं नहा सकता है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ पे नहा नहीं रहे थे। फोटो शूट करने में लगी है रचना और अनिशा। गाइस देखिए, यहाँ पे पूरे लाश फुकाती है लाइन से। देखिए कैसे शमशान घाट है गाइस। अभी देखिए बारिश नहीं हो रही, तो सब लोग घूमने निकल गए हैं। और सुबह से बारिश हो रही थी, तो कोई भी नहीं निकल रहा था, सब घर के अंदर थे। गाइस हम लोग जानकी सेतु पुल के पास आ चुके हैं। तो देखिए गाइस, ये है जानकी सेतु पुल। और उधर तो पूरा कांवरिया का भीड़ लगा है गाइस, सब पूरा एकदम गाड़ी लगी है। देखिए गाइस, ये पुल के पास कितनी भीड़ हो गई है अभी। सभी लोग ये नीलकंठ जाएंगे उधर, यहाँ से यहाँ देखिए गाइस, और यहाँ से चलो नीलकंठ।
ऐसे यहाँ जानकी सेतु रोड पे तीन रोड है, देखिए ये है और ये बीच है जाने के लिए, हाँ ये गाड़ी आने के लिए, ये गाड़ी जाने के लिए है और ये पैदल यात्रा के लिए बीच वाला और ये आने वाला इधर सामने जो है। ये बहुत ही खूबसूरत ये पुल बना है गाइस, तो सबके आप लोग वैसे लोग गाड़ी से आ रहे हैं। ये फूल बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, ये बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, सुबह से बारिश हो रही थी तो कोई निकल ही नहीं रहा था, जैसे बारिश खोली सभी लोग निकलना चालू कर दी। भारी हो रहा है, ये से भी ना सू कर दे चल रहे गरीबी की दुनिया मारना है। हाँ जय भोले जय भोले जय भोले। बहुत सारी गाड़ी खड़ी है यहाँ से नीलकंठ की बुक करके सब लोग जाते हैं और यहाँ से दो मार्ग है गाइस, एक ये वाला मार्ग हो और एक ये वाला मार्ग है गाइस, ये वाला नीलकंठ जाएगी और ये भूतनाथ का मंदिर जाएगी गाइस, क्योंकि यहीं से गाड़ी भर कर जाती है नीलकंठ की।
सभी गाड़ी लगी हुई है गाइस देखिए यहाँ पे, और यहीं से नीलकंठ की गाड़ी भर करके जाती है। और दीदी तो आगे चली गई है और हम लोग जा रहे हैं गाइस भूतनाथ का मंदिर, तो इधर पैदल ही जाएंगे क्या, तो कोई गाड़ी का साधन नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है बस। तो गाइस नीलकंठ के लिए ज़्यादा भीड़ चल रही है और वो वाला मार्ग ज़्यादा भीड़ है और नीलकंठ काफ़ी लोग जा रहे हैं और भूतनाथ वाला रोड खाली है, हम लोग तो जा रहे हैं बस भूतनाथ पहले दर्शन करेंगे। गाइस देखिए वो सामने भूतनाथ का मंदिर दिख रहा है, वहीं पर हम लोग जा रहे हैं गाइस। अभी ऊँचाई पर है, हम लोग गेट के पास आ गए हैं गाइस, ये देखिए फाइनली गाइस हम लोग टीका भी लगवा लिए और गेट के पार कर चुके हैं भूतनाथ मंदिर का, और अब जा रहे हैं ऊपर भूतनाथ मंदिर के पास। तो सभी लोग टीका लगवा लिए हैं देखिए, सब के सब लोग टीका लगा चुके हैं गाइस, और हम लोग अब जा रहे हैं, यहाँ चढ़ाई है थोड़ा सा और हम लोग चल रहे हैं पहाड़ पर। ये रोड काफ़ी ख़राब हो गई है बारिश की वजह से, अच्छा है ख़राब हो गई ये रोड, तो पिछले बार आए थे तो बहुत चिकना रोड था तो चल ही नहीं पा रहे थे, ऐसा रोड है तो चलने में ठीक है, थकान महसूस नहीं होगी। एक बराबर रोड रहता है तो चलने में दिक्कत होती है गाइस, इसलिए थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ है तो अच्छा है। गाइस यहाँ से रोड जाएगी सीधी उस पहाड़ पर पहुँचेंगे वहाँ भूतनाथ मंदिर के पास, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है थोड़ी सी है बस। अमन रचना अनिशा दीदी सब लोग आ रही हैं और अमूल तो पूरा सबसे आगे चला गया, हाँ थोड़ा सा चढ़ाई है तो थोड़ा सा इन लोग का थकान महसूस हो गई है गाइस, और हम लोग का तो पता नहीं चल रहा है, इतना चढ़ाई तो कुछ भी नहीं है हम लोगों के लिए, हम लोग इतना है कि 10 से 20 किलोमीटर चढ़ाई कर सकते हैं इतना है। नहीं यार सच में कह रहे हैं 10 से 20 किलोमीटर चढ़ाई चढ़ सकते हैं, 25 किलोमीटर भी चढ़ सकते हैं, बारिश की वजह से केदारनाथ नहीं जा रहे हैं, नहीं तो हम केदारनाथ भी जाते चढ़ाई पे। गाइस जब शंकर जी का बारात जा रही थी तो कुछ भूत प्रेत थे, तो यहीं पे शंकर भगवान एक रात ठहरे थे, तो ये वही मंदिर है जहाँ पे शंकर भगवान ने बारात जाते समय एक रात रुके थे। तो चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ अंदर का। गाइस इधर सीढ़ी से जाएंगे हम लोग, निशा भी घर बना रही है, हाँ इनका भी घर बन जाए भगवान करे कि बहुत सारे लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है। ये अनिशा ने घर अपना बनाया है देखिए गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि 7 मंजिला है और कुछ लोग कहते हैं कि 12 मंजिला है, तो चलिए जाकर के देखते हैं कि 12 मंजिला है कि 7 मंजिला है, और अनिशा कह रही है 12 मंजिला है, और चलिए हम लोग देखते हैं 12 मंजिला है और ऊपर से। ये सीढ़ी देखिए गाइस कैसा सीढ़ी है, पूरा एकदम सीधा है, बापरे चढ़ते चढ़ते थाम गए। खड़ा सीढ़ी है पूरे, पांता देखो नहीं खड़ा सीढ़ी है गाइस, सीढ़ी से चढ़ते हुए हम लोग का पसीना छूट गया पूरा, हटो अंदर तक मंदिर तक जाऊंगी ना बेटा क्या। इन्हें चल चढ़ाने भी आता है इससे चढ़ा, बड़ी शांति है भाई, क्या गाइस देखिए यहाँ का सीढ़ी देखिए, सीढ़ी का बनावट देखिए कैसे बना है, एक मंजिला तो आगे दूसरे पे आगे, ये दूसरे मंजिले पे आ गए, ये देखिए गाइस हम लोग तीसरे मंजिले पे आ गए देखिए।
इधर से सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई देगा। और इधर देखिए सीढ़ी। गाइस हम लोग 8 मंजिला आ चुके हैं, तो देखिए गाइस ये, और अभी और भी हम लोग ऊपर 5 मंजिला जा रहे हैं। और ये भूतनाथ का मंदिर गाइस 13 मंजिला है, और ये शंकर जी। हाँ गाइस हम लोग 9 मंजिला आ चुके हैं, 9, 10, 11, 12, 13 14 ऊपर है। ऊपर से व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखो नीचे का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए हम लोग कितना ऊंचाई पे आ गए हैं। वाओ, ये देखिए ऋषिकेश, वो ऋषिकेश का शहर दिख रहा है। देखिए कितना छोटा छोटा दिख रहा है ना, वो ऋषिकेश है। ऋषिकेश हम लोग कहाँ से रहा गाइस, देखिए ऋषिकेश हम लोग वहाँ उधर से आए, इधर से ऐसे करके जानकी सेतु पुल के पार करते हुए फिर हम लोग ऐसे आए। कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से। आम का पौधा है बहुत ज़्यादा, कितना छोटे छोटे दिख रहा है घर, देखिए इतना ऊँचाई से। ये रहा जानकी सेतु पुल, ये रहा राम झूला पुल। गाइस मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, देखिए गाइस ये रहा राम झूला का पुल। और लक्ष्मण झूला तो अभी बन रहा है, वो अभी इस समय वहाँ का रास्ता बंद है, उधर से जाएगा लक्ष्मण झूला का रास्ता। और ये जो सामने दिख रही है वो राम झूला है गाइस, और लक्ष्मण झूला के लिए सीधे ऐसे जाएंगे और उधर आगे मिलेगी। राम झूला बिल्कुल खाली है, यहाँ से कोई जा ही नहीं रहा है, देखिए गाइस। और ये जानकी सेतु पुल जो है वो ज़्यादा भीड़ चल रही है, क्योंकि नीलकंठ सभी लोग इधर ही से जा रहे हैं, इसलिए वो पुल भीड़ चल रही है। कितना खूबसूरत भी लग रहा है, देखिए हम लोग और भी ऊपर आ गए हैं। कितने अच्छा लग रहा है ऊपर से, देखिए यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छी है। ऊपर गई हैं ऊपर, कोई नहीं, और हम लोग ऊपर जा रहे हैं, इसके ऊपर जा रहे हैं। अब ऊपर से और भी अच्छा व्यू दिखेगी, खूब अच्छा। अमान रचना ऊपर चले गए, आ भाई तुम तो अकेले अकेले घूम चल रहे हो, हमने आ सभी लोग आ अकेले अकेले घूम करके ये पहले दर्शन करके चली आती है, फिर हम लोग के साथ जाएंगे। देखिए ऊपर से जय शंकर की शिवलिंग है, देखिएगा इस शंकर जी का शिवलिंग है। अरे भूतनाथ का दर्शन करने सबसे ऊपर है भूतनाथ का मंदिर, पता नहीं कहाँ गए, हमको कुछ नहीं पता। रचना अमान भी दर्शन कर लिए गाइस, फाइनली गाइस हम लोग भूतनाथ का दर्शन कर चुके हैं, और देखिए सभी लोग दर्शन कर चुके हैं और थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, इन लोग थक गए हैं लग रहा है, और फोटो क्लिक कर रहे हैं। ऊपर से फोटो बहुत अच्छी अच्छी आती हैं, इसलिए इन लोग फोटो शूट कर रहे हैं। देखिए गाइस यहाँ से देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अब हम नीचे आ गए हैं पूरा, बताया जाता है
नीलकंठ जाने से पहले भूतनाथ का दर्शन करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग को पता नहीं रहता है तो उन लोग डायरेक्ट नीलकंठ पहुंच जाते हैं, और जिसको पता रहता है गाइस वही लोग भूतनाथ मंदिर जाते हैं, पहले भूतनाथ का दर्शन करते हैं उसके बाद नीलकंठ मंदिर जाते हैं। तो जिसको नहीं पता है तो क्या करेंगे, वो लोग डायरेक्टली नीलकंठ पहुँच जाते हैं। गाइस मैं आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।